उसकी बुआ और बहन आए थे उससे बात करने, उसे बहुत कुछ सुनाया और फिर नाराज होकर चले गए। पर आपको पता है वो उन्हें समझा रही थी, पर मेरा साथ नहीं छोड़ा। यहां तक कि उसने उनसे ये भी कहा कि वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। दिखावा है ये सब कुछ, इसे सच समझने की गलती मत करना आरवी। जानबूझ के वो तुम्हारे सामने ये सब बातें कर रही है। नहीं माँ, मैंने ये बातें सुन ली थी, ये सब मेरे सामने नहीं हुआ। और पूर्व ने कुछ नहीं कहा मुझसे, एक शब्द तक नहीं कहा। तो फिर पक्का कुछ और करने की सोच रही होगी वो, या फिर सही मौके का इंतजार कर रही होगी ताकि वो ये सारी बातें तुम्हें बता सके, ताकि तुम पे एहसान जता सके। माँ आप क्यों ऐसे, अगर आपने वो देखा होता ना जो मैंने देखा तो आप कभी ऐसा नहीं कहते। माँ अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है पुरुषी, और आपके बेटे के लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ सह रही है। अब इतनी इज्जत और इतने अपनेपन की हकदार तो वो है माँ। और मैंने फैसला किया है कि मैं उस नेत्रा को पैसे दूंगा, बहुत सारे पैसे, इतने पैसे जितना उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो जिंदगी में भी उतने पैसे के बारे में सोच नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि उसको सिर्फ पैसा चाहिए, वो ये सब पैसों के लिए कर रही है। तो अब मैं उसको इतने पैसे दूंगा जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुन, उसकी एक भी बात मत मानना। वो तुमसे कुछ भी कहे उसकी बातों में मत आना। आई एम श्योर वो कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है, कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। मैं ऐसे क्यों बोल रहा, तुम्हें कुछ पता है क्या, कोई बात हुई तुम्हारी? देख मोनिशा ने मुझे अभी फोन किया, उसने बताया। साइलेंट की बात अच्छे से समझ लो, तुम्हें और मुझे ना एक टीम रहना, तभी हम इन सबको घुमा पाएंगे। और मोनिशा की बातें मत सुनो, हम वो करेंगे जो हमें सही लगता है, ठीक है? और इस सबके बीच में अगर पूर्वी भी आ गए ना, तो उससे पीछा छुड़वाने के लिए एक बार भी मत सोचना, जो मन करे वो करना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं कोई सीरियल किलर देखता हूँ, लोगों को मारता देखता हूँ, कुछ बोले जा रही हूँ? तो मैं क्यों ब्लैकमेल हूँ, फिर कर रही हूँ ना आपके साथ, और नतीजा क्या हुआ? जस्सी आ रहा है यहाँ पूरे 40 लाख। हाँ तो मैंने उसको खाया लाने के लिए। तुम उसे ब्लैकमेल किसकी वजह से कर पा रहे हो? मेरी वजह से, मैं यहाँ हूँ इसलिए। ठीक है, सबसे पहले मैं वेटर की ड्रेस पहनता हूँ, परेशान हो गया उस डांसर की ड्रेस में घूमते घूमते। कम से कम वेटर की ड्रेस पहनूंगा तुम्हारे पास रह पाऊंगा। मैं काम करो, घर के अंदर जाओ, ठीक है? तब तक मैं जस्सी को फोन लगा के देखता हूँ कहाँ रह गया, इतनी देर करती है इसने पैसे लाने में। और हाँ, अगर उसने अब बहुत देर करी ना पैसे लाने में, हम निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है? ठीक है। कहाँ पहुँचे? बस घर के पास पहुँचने वाला हूँ मैं। एक वेटर का ड्रेस अरेंज करो अपने लिए, मुझे घर के अंदर आके मिलो। मैं खुद भी वेटर बन के मिलता हूँ तुमसे। और हाँ, वो पैसों का क्या हुआ? नहीं भाई, मुझे मेरे 40 लाख मेरे हाथ में चाहिए। वैसे भी तुम बहुत देर कर चुके हो, और अब अगर देर हुई ना तो मैं याद है ना मैं क्या कर सकता हूँ। अरे हाँ भाई, याद है मुझे। मिलो जरा घर के अंदर।